evening, doctors. Can you hear me? Is my voice clear? You can hear the voice of my dog too, right? So, welcome to our channel, Escor School of Excellence in Medicine, where teaching is our passion. And to our series, Master Allen's Keynote with Dr. APS Chhabra. So, today's medicine, we'll be studying anthracnine. चलिए एंथ्रासिनम स्टार्ट करते हैं। एंथ्रासिनम क्या है? सबसे पहले एज वी ऑल नो कि होम्योपैथिक मेडिसिंस के बहुत सारे सोर्सेज हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, नोजोड, सार्कोड, इम्पोंड्रेबिलिया, ठीक है। तो उसमें से नोजोड्स आर, अपन पहले भी एम्ब्रा ग्रीसिया में भी अपन नोजोड की बात कर चुके हैं। सो जिन लोगों ने एम्ब्रा ग्रीसिया वाला सेशन नहीं देखा है तो वो एक बार देख लीजिएगा, वापस से अपन नोजोड को यहाँ पे एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो और लंबा हो जाएगा सेशन। पॉइजन नोजोड है जिससे कि एंथ्रेक्स, आपको पता होगा बैक्टीरिया होता है, उससे मेडिसिन बनाई जाती है एंथ्रासिनम, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको इमेज में भी दिख रहा है जो बैक्टीरिया है। सबसे पहले अपन बात करेंगे एंथ्रासिनम, अपन बार बार इस बारे में बात करेंगे कि ये कार्बंकल्स की टॉप मोस्ट मेडिसिन है एंथ्रासिनम। अब कार्बंकल्स में क्या देखने को मिलता है, तो इन कार्बंकल मेलिग्नेंट अल्सर एंड कंप्लेंट्स विद अल्सरेशन, स्लफिंग एंड इंटॉलरेबल बर्निंग। तो कार्बंकल में क्या है, मेलिग्नेंट अल्सर जरूरी नहीं है, मेलिग्नेंट का मतलब यहां पे ये नहीं है कि कैंसरस है, ठीक है। मेलिग्नेंट का मतलब कैंसरस नहीं है यहाँ, बट मेलिग्नेंट का मतलब क्या है, जो बढ़ता जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेलिग्नेंट मतलब यहां पे क्या है कि बढ़ता जा रहा है बट ठीक नहीं हो रहा है। एक्चुअली में कार्बंकल होता क्या है, छोटे छोटे बॉयल्स होते हैं जो जुड़ के एक बड़ा घाव बना देते हैं, दैट इज कार्बंकल। ये देखिए इसकी छोटी छोटी आपको ओपनिंग्स दिख रही होंगी जिसमें से पस निकल रहा है। वेरी गुड इवनिंग डॉक्टर वैभव। सो कार्बंकल में एंथ्रासिनम जब यूज करनी है, ऐसा केस जहां पे अल्सरेशन हो, ये फोटो से आप बिल्कुल समझ सकते हैं, यहाँ अल्सर है, स्लफिंग मतलब वो जो मैटर जो इकट्ठा हो गया है, ये व्हाइट मैटर जो पस इकट्ठी हो गई है, दैट इज स्लफिंग एंड इनटॉलरेबल बर्निंग, ऐसी बर्निंग जो पेशेंट से बर्दाश्त नहीं होती, उसकी बर्दाश्त के बाहर है ऐसी बर्निंग। व्हेन आर्सेनिकम और द बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी फेल्स टू रिलीव द बर्निंग पेन ऑफ कार्बंकल और मेलिग्नेंट अल्सरेशन। आर्सेनिक भी हम बर्निंग के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन जानते हैं कि आर्सेनिक है, हम आगे बात भी करेंगे, जब आर्सेनिक हम पढ़ेंगे तो बात करेंगे। आर्सेनिक का एक जो की नोट फीचर है जिसे हम पहचानते हैं, उनमें से एक बर्निंग है। तो जब वो बर्निंग पेन हम पेशेंट को आर्सेनिक देते हैं बट पेशेंट को आर्सेनिक से फायदा नहीं आता है, आराम नहीं आता है, उसके बाद में उस बर्निंग पेन को ठीक करती है एंथ्रासिनम। इतनी अच्छी मेडिसिन है, आर्सेनिक से भी ऊपर काम करती है। कार्बंकल विद हॉरिबल बर्निंग पेन्स, एंथ्रासिनम इज नोन फॉर इट्स हॉरिबल, फॉर इट्स इनटॉलरेबल बर्निंग। हमारे एक सीनियर डॉक्टर ने हमारे साथ एक केस डिस्कस किया था कार्बंकल का, डॉक्टर नितेश जैन जी ने, जहां पे उन्होंने हमारे को इंडिकेशन जो है वो एक बताया था कि बर्निंग
उस इस इनटॉलरेबल हॉरिबल बर्निंग के इंडिकेशन पे हमने उस केस को एंथ्रासिनम से ठीक किया। तो कार्बंकल विद हॉरिबल बर्निंग पेन्स, डिस्चार्ज ऑफ इकोरस ऑफेंसिव पस, मतलब बिल्कुल सड़न गया है, सड़न जिसको अपन बोलते हैं कि सड़ गया है, जो पार्ट है वो सड़ चुका है और बदबूदार पस निकल रही है, कॉमन है, कार्बंकल में ऐसा होता है। बट उसमें वो बर्निंग पेन होना जो पेशेंट से बर्दाश्त नहीं हो रहा, तब अपन एंथ्रासिनम सोचेंगे। नेक्स्ट इज गैंग्रीनस अल्सर। आप देख सकते हैं गैंग्रीन, अभी हमने सड़न की बात करी, तो गैंग्रीन होता क्या है? पिट्रिफिकेशन, वो सड़न ही है गैंग्रीन, वो नेक्रोज्ड पार्ट इज गैंग्रीन, तो वहां पे भी एंथ्रेसिनम का रोल है। अब उसमें क्या है? हेमरेजिस, हेमरेजिस हो रहे हैं, ब्लड ऊजेस फ्रॉम माउथ नोज एनस सेक्सुअल ऑर्गन्स, कहीं से भी ब्लड निकल रहा है अगर, और वो ब्लड कैसा है? बिल्कुल ब्लैक, थिक, टार लाइक, जो रोड का टार होता है ना उसके जैसा, टार लाइक, रैपिडली डीकम्पोजिंग, सड़ जा रहा है ब्लड। ऐसे में हम क्रोटेलस हॉरिडस भी सोचते हैं, दिस CROT इज क्रोटेलस हॉरिडस। वेरी गुड इवनिंग डॉक्टर शहला। सो क्रोटेलस हॉरिडस इज अनदर मेडिसिन, जब बॉडी के किसी भी ओपनिंग से ब्लीडिंग हो रही हो और वो ब्लैक थिक टार के जैसा है, रोड के टार के जैसा, तो क्रोटेलस हॉरिडस सबसे पहले सोचते हैं। उसके अलावा यू कैन थिंक ऑफ एंथ्रेसिनम, जो कि हम बहुत रेयरली एंथ्रेसिनम यूज करते हैं, हालांकि मैंने भी अभी तक स्टिल आई हैवेंट यूज्ड एंथ्रेसिनम। इसके अलावा गैंग्रीनस अल्सर की अपन बात करें, तो गैंग्रीनस अल्सर फेलोन कार्बंकल एरिसिपेलास ऑफ अ मेलिग्नेंट टाइप। माय क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट इज फेलोन? फेलोन क्या होता है? व्हाट इज फेलोन होता है? सो कहीं पे भी फेलोन में आप बताएंगे, फिर उसके बाद में मैं आपको जवाब दूंगा। शिवांगी श्रीवास्तव वेरी गुड इवनिंग। सो फेलोन कार्बंकल एरिसिपेलास किसी में भी कहीं गैंग्रीन होना शुरू हो जाए, तब मैंने आपको पहले बताया मेलिग्नेंट टाइप, मेलिग्नेंट मींस वो कैंसरस नहीं है, बट मेलिग्नेंट का मतलब यहां है कि वो ठीक नहीं हो रहा, उसको बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा। कैंसर क्या है? मेलिग्नेंसी क्या है? मेलिग्नेंसी इज आप उसको रोक नहीं सकते, वो बढ़ेगा, वो बढ़ता जाता है, दैट इज मेलिग्नेंसी, वो आपके बस में नहीं है। बट इसको बस में लाना है तो आपके पास मेडिसिन है एंथ्रेसिनम। इस गैंग्रीन को, उस कार्बंकल को जो गैंग पहले ठीक नहीं हो रहा था, अब वो गैंग्रीन में कन्वर्ट हो गया है, उसको अगर आपको ठीक करना है तो आपके पास में एक रामबाण है, वो है एंथ्रेसिनम। फेलोन, फेलोन का जवाब किसी ने दिया, आई एम वेटिंग फॉर यू, व्हाट इज फेलोन? जब आप बताएंगे तभी मैं डिस्कस करूंगा। वेरी गुड इवनिंग डॉक्टर नितेश जी। सो फेलोन द वर्स्ट केसेस, दिस इज कॉल्ड मेलिग्नेंसी, वर्स्ट केसेस, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, ये नहीं ठीक हो गया, सड़ गया, खत्म हो गया, काटो, फेंको इसको, काट के फेंक दो इसको, ये नहीं सही होगा, वहां एंथ्रेसिनम यूज करो, जहां डॉक्टर बोलते थे इसको काट के फेंक दो वहां एंथ्रेसिनम काम आएगी। सो फेलोन द वर्स्ट केसेस स्लफिंग एंड टेरिबल बर्निंग पेन, मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी यही कहा था, इनटॉलरेबल बर्निंग पेन, हॉरिबल बर्निंग पेन, टेरिबल बर्निंग पेन, तो ये बर्निंग पेन आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। और ऐसा ही कुछ हमारे को, मैंने आपको कहा था कि आर्सेनिक में भी हम बात करते हैं, तो आर्सेनिक है, कार्बोलिक एसिड है और लेकेसिस है, तो ये मेडिसिन्स कुछ और हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। सो नितेश जैन जी का कमेंट आया, फिलोन जब नेल बेड पे इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि काटना पड़े, बिल्कुल सही, फिलोन इज पस कैविटी इन टर्मिनल फेलेंजेस लेटरल साइड ऑफ फिंगर्स, रामचरण चौधरी जी गुड, शिवांगी श्रीवास्तव फिलोन इज फिंगर टिप्स एब्सेस वेरी गुड, कॉज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यू ऑल आर वेरी राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट मेलिग्नेंट पश्चियूल, तो आप नोट करते जाइए, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि नोटबुक और पेन साथ में रखिए, नोट करते जाइए फीचर एंथ्रासिनम का मेलिग्नेंसी, फीचर एंथ्रासिनम का बर्निंग, ठीक है। सो मेलिग्नेंट पश्चियूल, अगेन पश्चियूल बना, ठीक नहीं हो रहा। देखिए आप इमेज देखिए, ये पश्चियूल ही था ये, अगर हम इसकी बैक स्टेज देखें, पेशेंट ने अगर कोई पुरानी फोटो इसकी खींच रखी हो, कुछ ही नहीं है, तो एक पस वाली फुंसी थी, पश्चियूल था। अब ये आप देखोगे ये कैसा बिल्कुल ब्लैक हो गया है और ये ठीक नहीं हो रहा, दिस इज मेलिग्नेंट पश्चियूल। तो मेलिग्नेंट पश्चियूल ब्लैक और ब्लू ब्लिस्टर्स, तो पहले पश्चियूल था बट अब वो कैसा हो गया, काला हो गया, नीला पड़ गया है, ब्लिस्टर, ब्लिस्टर इज उसमें लिक्विड भरा हुआ है। Often fatal in 24 or 48 hours. एक से दो दिन में, मतलब 24 से 48 घंटे, एक से दो दिन में वो fatal हो जाता है, आपकी हालत खराब कर सकता है वो। एंड वही लेकेसिस और पायरोजन भी आपके काम आती है। बैड इफेक्ट्स फ्रॉम इनहेलिंग फाउल ऑडर्स of putrid fever or dissecting room, poisoning of foul breath, कोई भी ऐसी स्मेल जो कि बिल्कुल ऐसी बदबूदार स्मेल है, आइदर वो तो डाइसेक्शन, या तो डाइसेक्शन वगैरह की है, या फिर कोई ऐसा बुखार जिसमें वो उसके बुखार में जो एक पेशेंट की हालत होती है उसकी वजह से जो स्मेल होती है वो प्यूट्रिड फीवर, उसकी जो स्मेल है उसकी वजह से पेशेंट को परेशानी हो रही है, पॉइजनिंग हो रही है, पॉइजनिंग बाय फाउल ब्रेथ, मुंह से जो बदबू आ रही है उसकी वजह से पेशेंट परेशान है। सो पायरोजन, पायरोजन एंड एंथ्रासिनम, आप देखो हमारे को HCLN ने हर जगह पायरोजन को कहीं ना कहीं कंपेयर किया है, ठीक है, एंथ्रासिनम से। तो एंथ्रासिनम एंड पायरोजन बहुत पैरेलल चलती है क्योंकि दोनों ही हमारे पास नोजोड है, राइट, और दोनों ही कहीं ना कहीं बैक्टीरिया से ही बन रहे हैं, इसलिए हमेशा आप होम्योपैथिक मेडिसिन को सिर्फ ऊपर से सुपरफिशियली मत पढ़ो, उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करो कि मेडिसिन किस चीज से बन रही है, कैसे बन रही है, उसका पैथोफिजियोलॉजिकल एक्शन क्या है। हम नॉर्मली भी बात करें तो बैक्टीरिया अंदर जाके क्या करता है, शिवांगी जी ने लिखा कि कॉज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फिंगर फेलोन इज फिंगर टिप्स एब्सेस, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ। तो बैक्टीरिया अंदर जाके करता क्या है, बैक्टीरिया अंदर जाके पस बनाता है, मेनली स्टेफाइलोकोक्सिनम जैसे बैक्टीरिया जो अंदर जाके बस बनाते हैं। तो यही काम मुझसे बनी हुई मेडिसिन करेगी, यही काम बैक्टीरिया से बनी हुई मेडिसिन कर रही है। तो जो अंदर जाके बैक्टीरिया करता है, दिस इज कॉल्ड होम्योपैथी, दिस इज होम्योपैथी, कि जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग में जाके बैक्टीरिया कर रहा है उसको अगर हम ट्राइचुरेशन फॉर्म में दे रहे हैं, उसको हम अगर पोटेंटाइज फॉर्म में दे रहे हैं, तो वो उसको जाके ठीक। तो कोविड नोजोड के बारे में आप लोगों ने सोचा होगा, कोविड नोजोड बना है, बनाया गया है, कैन एनीवन टेल मी कि किसी ने कोविड नोजोड बनाया है, उसके ट्रायल भी किए हैं, कौन है वो डॉक्टर साहब, एनीवन इफ यू नो, अगर नहीं आता तो बोल दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सेप्टिक कंडीशंस, सो पायरोजन हम कंपेयर कर रहे थे, पायरोजन में भी हमने पढ़ा है सेप्टिसीमिया, कहाँ पहुंच गया, ब्लड में। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ RBC है, यहाँ पे WBC है, साथ में ये बैक्टीरिया है जिसने इन्फेक्शन फैलाया है, तो सेप्टिसीमिया, सेप्टिक कंडीशन, सेप्टिक फीवर, रैपिड लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, सिंकिंग पल्स, डिलीरियम एंड फेंटिंग, पेशेंट की हालत बिल्कुल खराब हो रही है। ठीक है, पेशेंट ऐसे लग रहा है जैसे अभी मर जाएगा, उसकी पल्स ड्रॉप हो रही है, डिलीरियम है, फेंटिंग है, बेहोश हो रहा है, बड़बड़ा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है,
pyrogen and anthracnose. So think about these medicines. Septic inflammation from absorption or pus or other deleterious substances with burning pain and great prostration. तो जितनी भी सेप्टिक कंडीशंस हम बोलते हैं उन सेप्टिक कंडीशंस में जहाँ पे कि पस का एब्जॉर्प्शन होने की वजह से या किसी भी ऐसे सब्सटेंस जो कि हानिकारक है दिस इज दैट इज डिलीटेरियस सब्सटेंसेस उनकी वजह से अगर वो एब्जॉर्ब हो गए हैं ब्लड में और ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद में अब सेप्टिसीमिया हो गया है जहाँ पे उस सेप्टिसीमिया के साथ में सेप्टिसीमिया इज नॉर्मल वहाँ पे आपकी मेडिसिन में क्या खास बात है तो मेडिसिन में खास बात है वो पेशेंट को दर्द हो रहा है और उसमें दर्द में बहुत जलन हो रही है दैट बर्निंग पेन विद ग्रेट प्रोस्ट्रेशन बहुत वीकनेस है तो हमने शुरू में भी बात करी थी आर्सेनिक दैट बर्निंग पेन दैट प्रोस्ट्रेशन एंड पायरोजन सो आर्सेनिक एंथ्रेसिनम पायरोजन दीज आर दी मेडिसिन गोइंग पैरेलल वेरी गुड इवनिंग आनंद कुमार जी एक क्वेश्चन मैंने अभी एक मिनट पहले छोड़ा उसका जवाब मेरे को किसी ने नहीं दिया है नहीं आता तो भी नहीं आता लिख दीजिए कोई बात नहीं डॉक्टर साहब वेलकम वेरी गुड नितेश जैन जी बहुत